नमो नुसौदानम नमो नुसौरिया नमो नुसौजयनम नमो नुसौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्मर स्वानुभूत्याचकास्ति स्वाय भवाय सर्वाणाम यही गाता एक तो उन्हें पाकर गाता थे आठ पाव में भाव पाव बड़ा है एक तो उन्हें 65 पहली गाता श्री और भाव पाव आगे भाव पाव की बचने का लिखे परमात्मा को वंदी करी सुंदर करता करुण भाव पाव देखकार जयचंद्र पंडित चालती भाषा में देख वचनी का लिखते हैं उसमें पहले मंगली करते हैं परमात्मा को वंदी करी परमात्मा अभियंता सिद्ध उसको वंदन करी शुद्ध भाव करता भाव भाव है न शुद्ध भावना प्रणमन करना ये भगवान उसको मैं भाव पाव की आदि में नमस्कार करता शुद्ध भाव करता अपना आत्मा शुद्ध चैतन आत्मा दो उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध भाव है उसका वो करने वाला यंत्र परमात्मा है शुद्ध भाव करता शुद्ध भावना कर भाव पाव रहे शुद्ध भाव के क्या प्रधानता से पतन आएगा जो आत्म आश्री पवित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो शुद्ध भाव है पुण्य पाप भाव है वो अशुद्ध भाव है अशुद्ध भाव बंध का कारण है और शुद्ध भाव ये मुक्त का कारण है। तो कहते हैं कि शुद्ध भावना करने वाला परमात्मा और कहने वाला है न कहने वाला भी वो शुद्ध भाव का लिखे गए करुण भाव बाहुल पावर्तन भाव प्रावृत भाव सारणी विश्वसनीय का शांति ऐसा मैं उसका सार लिखता हूँ ऐसे मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करी फिर कुंकुंडाचार कृत भाव पावर गाथा बंद कर ताकि देश भाषा में विचिजन लिखे प्रथम आचार निष्क से नमस्कार हो मंगल करी ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा का सूत्र कहे गाथा है सूत्र कहे जो सूत्र कहे हो ना सूत्र कहे गाथा नमीन जिन वरिंदी नर सुर भवन इंद्र वंदे सिदे भूता भाव पावरम अशेषे संजने तीर्था आचार कहे मैं भाव पाव नाम ग्रंथ है चाहे कहूंगा पूर्वे कहा करी जैवेंद्र कही पहले भगवान त्रिलोकनाथ जिन वरेंद्र तीर्थंकर परमदेव उसको वंदन करी और सिद्ध कहिए आठ कर्म का नाश करी सिद्ध पद को प्राप्त भये ऐसा सिद्ध को नमस्कार करके और शेष संयत कहिए चौथों और सिंह संजदे तीर्था आचार उपाय का एक श्रद्धालु पंच परमेश्वर की मस्तक करी वंदना करके कहूंगा मस्तक करके वंदना करके कहूंगा मन वचन का तीनों आ गया कैसे है पंच परमेश्वर
नर कहिए मनुष्य, सूर कहिए स्वर्गवासी देव, भवन कहिए पातालवासी देव, इन्हीं के इंद्र, इन्हीं के ही वंदने योग है। संत परमेश्वर जी त्रणलोकना जो इंद्र है उससे पूजनीय है, त्रणलोकना इंद्र उससे पूजनीय, भवनपति जनपर ज्योतिषी वैमानिक विष्णु चंद्र तो श्रद्धा क्या आचार भाव पाव ग्रंथ से बुझे हैं तो भाव प्रधान संत परमेश्वर है। भाव शुद्ध परमात्मा देखा, चित्त देखा, आचार उपाय सब भीतरागी देखा है। पांच पद है वो भीतरागी देखा, भाव प्रधान है आया पांचवी पद वितरागी दशा पांचवी पद सेवा भाव प्रधान पंच परमेश्वर है। तिन्हीं को आदि में नमस्कार युक्त है, कहने आप भाव पाव कहने में पहले ही नमस्कार करना याद भी है। जाते जी थी कैम याद भी है, जयवानंद्र जिन कई गुण से निरा कर युक्त ऐसा अवैध समझ आदि चौथे गुण स्थान से जिन कहने में आता है। जिसने सात प्रकृति नाश करके अथवा उत्तम करके उत्तम करके संजय दर्शन चौथे गुण स्थान प्रकट हुआ उसको यहाँ जिन से शुरू किया है। आदि पंचम गुण स्थान वाला सत्ता गुण स्थान वाले तीन में वर कहीं श्रेष्ठ गणधरादि जिन वर इंद्र जिन चौथा गुण स्थान से पांचवा छठा वगैरह और उसके में भी श्रेष्ठ गणधरादि तीन में भी इंद्र तीर्थंकर जिनवर इंद्र जिन वरेंद्र जिन वर इंद्र जिन चौथे गुण स्थान से मानकर और वर गंधर आदि उसने उत्कृष्ट और उससे इंद्र तीर्थंकर सब आ गया सामान्य आ गया तीर्थंकर आया जिनमें श्री गुण इंद्र से गुण श्रेणी निद्रा शुद्ध भाव से हो ये देखो कामना नाश की धारा अथवा गुण श्रेणी पवित्र पर्याय प्रकट करूंगे चौथे गुण स्थान से होते हैं शुद्ध भाव से ही शुद्ध भाव से और दर्शन में अपना आत्मा परमानंद स्वरूप उसकी अंतर्मुख निर्विकल श्रद्धा वो शुद्ध भाव है। विकल्प है मैं एक हूँ शुद्ध हूँ वो तो विकल्प है आश्रय है मुझसे रही शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा का उसका अनुभव श्रद्धा ज्ञान वो शुद्ध भाव है। द्रव शुद्ध है गुण शुद्ध है ऐसी संगत दर्शन करिया भी शुद्ध है शुद्ध भाव से निद्रा होती है। बीच में कोई भक्ति पूजा दान दया का भावाता है उससे धर्म बन देता है निद्रा को धर्म होता नहीं आया। गुण से निद्रा शुद्ध भावते हो भाव जीते हो प्रसंचित शुभ भाव से भी निद्रा होती है ऐसा नहीं कहा शुभ ना शुद्ध न हो इनके सीखा ऐसा है ही नहीं गौर कैसा अनुदार कैसे न शुद्ध ने शुभ दो ही निद्रा का कारण है वो नीत है तो उपचार से प्रसन्न किया शुद्ध भाव ही से निद्रा हो क्या क्या देखो गुण श्रेणी निद्रा शुद्ध भाव ही से हो
इंद्र ना पाप ना भाव तो आश्रव विकल्प बंध का कारण है। इन पाप का भाव तो भाव बंध है, इंद्र बंध का कारण है। संकीर्ति को कुंज बंधा है सती से कहा है नृत्य में शुद्ध भाव वस्तु चैतन्य दो आनंद कंद उसकी अनुभव दृष्टि हुई तो शुद्ध भाव हुआ। इस शुद्ध भाव की प्राप्त आदानी है मेरा नाम रखा बंसी आदि का स्वस्थ तो उसमें सत्ती से कुंभ बन देगा संपूर्ण बंद है। पुण्य बंध का भाव वो अपराध है। ये भावे तीर्थंग उत्तर बंदे वो भाव अपराध है, अपराध है। बतावे ऐसा समय है बतावे क्या हुआ। आत्मा अंदर शुद्ध भाव से पवित्रपना प्रकट करे वो ही शुद्ध निर्वाण है। आया तो तीर्थंकर भाव के फल को पहुंचे, तीर्थंकर भाव के फल को पहुंचे क्या कहते हैं। शुद्ध भाव से शुद्धता बढ़ती है, कर्म का निद्रा होती है, यानी शुद्ध भाव का फल को पहुंचे। तीर्थंकर तो शुद्ध भावना फल में प्राप्त हुआ क्यों ना आया। शुद्ध भाव तो तीर्थंकर भाव के फल को पहुंचे आया। अपना भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य ग्रह उसका शुद्ध भाव प्रकट करके जो कर्म की निद्रा होती है उसका शुद्ध भाव का फल केवल ज्ञान है। शुद्ध भाव का फल केवल ज्ञान है, जिसमें शुभ आता है उसका फल केवल ज्ञान नहीं, उसका बंद फल है। आया शंकर भी जब केवल ज्ञान पाते हैं तो शुद्ध भाव का फल रूप केवल ज्ञान है। जो भाव से तीर्थन गोत्र बन गए ये भाव का फल तीर्थन में पड़ा नहीं, केवल ज्ञान पड़ा नहीं। ये भाव से तीर्थन गोत्र बने तो बहुत शुभ है, उस शुभ भाव का फल तीर्थन का केवल ज्ञान नहीं। शुद्ध भाव का फल केवल ज्ञान है, और शुभ भाव का भी अभाव करके शुद्ध भाव की परिणति उग्र करेगा तब केवल ज्ञान होगा। जिस भाव से संगत बंध बंध है वो भाव से भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि देखो फिर संगत प्रगति का बंध हुआ तो नीमा केवल ज्ञान पाएगा, इस प्रकृति के कारण पाएगा नहीं, नहीं। इनके तीर्थंग प्रकृति जिसको बन गई वो तो नीमा केवल ज्ञान पाएगा, तीर्थ प्रकृति का कारण से केवल ज्ञान पाएगा नहीं, नहीं। आया क्यों ज्ञान पाते हैं वो शुद्ध भाव से पाते हैं। आया पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान, पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान इस शुद्ध भाव से प्राप्त होता है। और शुद्ध भाव से संग होकर जैसे बंदा वो भाव से केवल ज्ञान नहीं होता, और प्रकृति बंद हुआ तो उससे केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ बन रहे तो आया। देखो पहले तो शुद्ध भाव गुण श्रेणी का कारण कहा,
पीछे शुद्ध भाव के फल को पहुंचे, गाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान पाया। ज्ञान कैसे हुआ ही खबर में आया, जाति कर्म का नाश करके होगी अशुद्ध भगवान का वचन है, अशुद्धता का नाश हो गया, शुद्धता का उग्रपण से अशुद्धता का नाश हो गया, ये भी व्यवहार में का वचन है कि भगवान ने अशुद्धता का नाश किया, शुद्धता का भी नाश किया नहीं। अपना शुद्ध भाव की उग्रता हुई तो अशुद्धता उत्पन्न हुई, नहीं तो उसको नाश किया ऐसे कहने में आता है। आया नहीं तो चार जाति का नाश क्या है, कर्म का नाश कर सकते, आत्मा ही तो जड़ है। हाँ, अपना शुद्ध भाव की उग्रता से जब केवल ज्ञान पाया तो अशुद्धता का नाश हुआ, अशुद्धता उत्पन्न हुआ नहीं तो कर्म का रजकर्म उसके कारण से नाश पर्याय बदल गई, घाती कर्म की पर्याय घाती कर्म के काम से बदल गई, आत्मा के काम से बदल गई, ऐसा नहीं। समझ में आया, ये तो उसके काम से मिलते कहते हैं तुम भाषा समझा भी, तुमकी भाषा कैसे करना, घाती कर्म का नाश करते शुद्ध भाव का भाव के फल को पहुंचे, जाति कर्म का नाश करी क्यों ज्ञान पाया। बहुरी अणुओं कहते हैं कि जाति कर्म का नाश हो तो क्यों ज्ञान हो, ऐसे कहो पर क्यों ज्ञान पाया तो जाति कर्म का नाश हुआ, ऐसे नहीं एम कहते हैं। ऐसे ये आत्मा अपना पुरुषार्थ से केवल ज्ञान पाया तो घाती कर्म का नाश उसके काम से होता है, घाती कर्म का नाश हो तो केवल ज्ञान पाया ऐसा है नहीं है। कहते हैं रतन को सुनाता है कि नहीं, चार घाती का नाश होने के निमित्त का कथन है, को स्वतंत्र जड़ की पर्याय है, जड़ की पर्याय का आत्मा स्वामी है, नाच करे बांधे आत्मा उसका धनी स्वामी है नहीं। नहीं। तो आत्मा बांधता है, बस नहीं बांधता है, नहीं छोड़ता है, ये तो अज्ञान पर अशुद्ध भाव उत्पन्न करते हैं, बांध पर शुद्ध भाव उत्पन्न करते हैं, बस आया। तो फिर सब्जी आता है ना, हिंदी को तुम्हारे मत किया चल आप देखा है आप हमारी गलती थी, अरे नहीं हिंदी होगा तुम्हारी क्या कई चाहे आया। कहते हैं कि घाती कर्म का नाश आत्मा अपना शुद्ध भाव का फल को प्राप्त हुआ केवल ज्ञान, सब घाती कर्म का नाश उसके काम से कर्म के काम से नाश हो, नाश का अर्थ कर्म की पर्याय थी अकर्म रूप हुई, नाश का अर्थ दूसरा क्या, जो कर्म की पर्याय थी यहां जब अपना स्वभाव के शुद्ध भाव का फल रूप केवल ज्ञान हुआ तो घाती कर्म की पर्याय कर्म रूप थी, वो दूसरे खत्म हो गई, इसका नाम नाश, नाश का तो क्या है, नाश की हत्या होता है। आया हम तो खुशी कैसे करे, नाश गई घाती कर्म की पर्याय जय हुई, जय का था जो कर्म रूप पर्याय थी तो अकर्म रूप पर्याय हुई, उज्जवल की पर्याय उत्पाद था उत्पाद का नहीं कर अगर मूल उत्पाद का बस बोला कर्म थी वो वर्णा नहीं, घाती कर्म की परमाणु पर्याय बनती को
धर्म वर्णना भी नहीं बनी, बंदी है उसकी बातें हम तो जो बंदी है घाती कर्म धर्म की करिया वो ही यहाँ केवल ज्ञान हुआ उसका उस बात का फल रोग वो समय घाती कर्म की करिया अकर्म रोग है धर्म रूप पर अकर्म हो गया उसका नाम घाती कर्म का नाश ऐसा व्यवहार में अक्रम थी ना अक्रम दूसरे पुद्धों की परे होगी कर्मरू हुई तो दूसरी परी होगी ना ना नियम कहीं कर्म वर्ग ना हो दूसरी परी होगी हाँ 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 जैसे ही सर्व कर्म का नाश करी परम शुद्ध भाव को पाए सिद्ध भाई बे बात है ना अंदर पहला अरिहंत ने नमस्कार किया है दूसरा सिद्ध को नमस्कार किया जो वरिंद किया है कि सिद्ध को नमस्कार किया है तो सिद्ध कैसे हुआ है ठीक है सर्व कर्म का नाश करी परम शुद्ध भाव को पाए सिद्ध भाई ये भी परम शुद्ध भाव सिद्ध है अपनी पूर्ण निर्मल पर्याय को सिद्ध कहते हैं मलिन पर्याय को संसारी कहते हैं कहीं निर्मल ने मलिन थोड़ी और उसको साधक भाव कहते हैं समझ में आया तो दो की बात किया अरिहंत और सिद्ध अरे तीन आचार भाव आचार व साधु भाव के एक देश को पाए पूर्णता को पाए पूर्णता को आप साधे क्या कहते हैं आचार उपाय साधु किसको कहिए कि जी अपनी शुद्ध भीतरागी पर्याय प्राप्त किया है तीनों ही अपना शुद्ध स्वभाव के आश्रय से हैं शुद्ध पर्याय किन पाप का विकल्प से रही निर्विकल्प शुद्ध पर्याय को प्राप्त किया है और वो शुद्ध पर्याय के प्राप्त हैं सिद्ध पद का साधन करते हैं शुद्ध पर्याय आचार उपाय साधन शुद्ध पर्याय है ना आचार उपाय साधन शुद्ध पर्याय है पूर्ण नहीं साधते हैं आचार उपाय साधु इसको कहते हैं कि जिसने अपना शुद्ध चैतन्य आनंद के आश्रय से शुद्ध वितरागी पर्याय अपूर्ण प्राप्त किया है वो शुद्ध भाव की पर्याय का दौर है उसमें साधते हैं सिद्ध पद शुद्ध पर्याय का साधन से सिद्ध पद को उठाते हैं व्यवहार नहीं से मार भारत आदि आते हैं उससे सिद्ध पद को उठाते हैं ऐसा नहीं आया वो कितना स्पष्ट किया है आचार उपाय जाए साधु आचार उपाय जाए दो शुद्ध भाव के एक देश को दो की बात करते एक देश को उपाय पूर्णता को आप साथ है देखो ये तो आचार उपाय किसको कहना किसकी खबर नहीं आचार उपाय जाए इसको कहते हैं कि अपना शुद्ध भाव प्रकट किया है पंथ अपूर्ण है हाँ तो शुद्ध भाव के साधन से सिद्ध पद को साधते हैं उन पाप जो मावरता भी आता है उसके सिद्ध पद को साधते हैं ऐसा है नहीं तो समझ में आया जैसन बंदी कर दिया इतना आचार उपाय जाए शुद्ध भाव से एक देश को पाए एक अंश को पाए पूर्णता को आप सब है भाषा दोन देखो आया आत्मा आनंद स्वरूप है शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका एक अंश है शुद्धता पर्याय अवस्था में प्रकट किया सच्चे इस शुद्धता की पर्याय हुई उससे पूर्ण शुद्ध को साथ है
शुद्धता की दिशा प्राप्त हुई उसे पूर्ण शुद्धता को साधते हैं। बीच में पंचमावरदादी आते हैं उसके सिद्ध पद को साधते हैं, ऐसा है नहीं? इतना स्पष्ट लखन किया है, सुनिए आया। शुद्ध भाव के एक बीच को पाए पूर्णता को आस्था दे, आस्था दे पुत्र अपने काम से पुत्र से कर सकता है, सुनिए आया। अन्य को शुद्ध भाव की दीक्षा शिक्षा दी भाषा, देखो क्या कहते हैं आचार उपाय का, इसको कहिए कि दूसरा को शुद्ध भाव की शिक्षा दीक्षा दे। जिनकी क्रिया की बात नहीं, वो बीच में आता है उसकी बात नहीं करे। जी क्या है देखो, हाँ शुद्ध का आत्मावलोकन आत्मावलोकन में आते हैं मुनियों को, तो वितराग भाव का ही उपदेश देते हैं, मुहु मुहु वारंवार वितराग भाव का ही उपदेश देते हैं, है ना। आत्मावलोक भाव में लाल आत्म अनुभव कि आचार्य ने उपाध्याय इसको कहे कि जो अपना पुण्य पाप का विकल्प से रही अपना शुद्ध स्वभाव में से शुद्धता प्रगत एक देश किया और एक देश शुद्धता से पूर्ण कोसाते हैं, एक बात अरे दूसरा को उपदेश कर देते हैं, ये बात है अन्य को शुद्ध भाव की दीक्षा शिक्षा देते हैं, दीक्षा सुधे दे लोग वीरायम वीरायम व्यस्त नियो वीराम मुहु मुहु गणी वीराम तो गुरु कहीं बात है। जीव का निस्वरूप जो विकराल है ऐसी वाघमार्क है, तो ही गुरु पदवी को शोभ है। अब आत्मावलोकन आत्मावलोकन जी का आत्मावलोकन देखो हरि में जीव का निज स्वरूप जो है विकराल है और जो ऐसी वारंबार कहे वितराग कोई कहे वितराग भाव प्रकट करो, वितराग भाव धर्म है, वितराग भाव मोक्ष का आधार है, वितराग भाव शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव मोक्ष का उपाय है, ऐसा वारंबार कहे तो ही गुरु पदवी को शुभ है। ओ गुरु पदवी को शुभ है, बाकी शुद्ध भाव होता है तो मिथ्या दृष्टि है। आया दूसरा सुनते ना ना मुह के वारंवार तमने मावरे मुह नो तो वारंवार मुह मुह के वारंवार वितराग का उपदेश साधु जगत को दे। वितराग भाव वो धर्म है, वितराग भाव मोक्ष का उपाय है, वितराग भाव ये संजन दर्शन चारित्र है, ये वितराग भाव ये आत्मा का जैन दर्शन का आधार है। ये वारंवार मुहु मुहु एक वारंवार ये उपदेश वारंवार ये उपदेश तुम्हें वारंवार एक बार कर दीजिए दूसरी बात करना वारंवार ये उपदेश आया दिलवा जी आप लोग नहीं दिखाएगा नहीं वीरायम वीरायम यस्त नियसम सद्गुरु वीरा जीव का स्वरूप ही विकराल है। आई कैन से नियत सर्वो कैन से भगवान आत्मा जिन सुई आत्मा विकराल का स्वभाव अविकारी रसखंड वो आत्मा और उसकी प्राप्ति करने में विकराल भाव का उद्देश्य आता है। मोहु मोहु गणई वीरायम
सो गुरु पजन भाषा ही भया ते गुरु पद में सो गए है ताकि पिंग ने पाप नहीं किया बताओ नारायणा के लाभ गए गुरु पद है गुरु पद है नहीं आया बात ही सदा शोभे थे सदा के सिवा बीजा शोभता सत्य ना निकलते नहीं ए नहीं वो अशुभ भाव तो आया था ना शुभ भाव में आया था कैसे धूड़ी आएगा नहीं मिथ्यात्मा है बीजी का था बीजी का आत्मा की भावना विकराल स्वरूप जिन स्वरूप है उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र विकराल स्वरूप है वो विकराल भाव का उद्देश्य आचार का कैसे करें समझ में आया विकराग में सारा जैन दर्शन का शास्त्र का सार विकराग है सूत्र का तात्पर्य विकराग है सारा शास्त्र का तात्पर्य विकराग है जी शास्त्र का तात्पर्य विकराग है पंचा हाँ वो विकराग का ही सारा शास्त्र का तात्पर्य विकराग है तो विकराग भाव कहो क्योंकि आत्मा विकराग स्वभाव है शक्ति में से वितराग की पर्याय प्रकट करना वो शुद्ध भाव है उसका सम्मुख से शुद्ध भाव प्रकट करना कोई जैन दर्शन है कोई जैन धर्म है कोई मुख का मार्ग है हमारा कितना ही चौथे कहते हो कि शुभ भाव हो शुभ भाव में शुद्ध न हो कैसे निद्रा है शुभ भाव मार्ग भूल तो चक्कर फेरी मान नारायण एवं मे समझे मे न्याणी बैठे मे एक संख्या तो बैठी मानी चाहे जीना बैठी जो सुबह आज मेरा कहते कावे थे माता फोड़ मारे क्या फोड़े धर्म तो विकराग परमात्मा ही कहो ये विकराग स्वरूप ही आत्मा है विकराग स्वरूप न हो तो विकरागता कहां से आएगी विकरागता कोई राग में से निमित में से आती है बराबर है विकराग राग रहित आत्मा का स्वभाव शांत भक्त असहाय स्वभाव स्वभाव आत्मा है ये आत्मा में शक्ति रूप स्वभाव रूप वितरागता है उसका आश्रय करने से वितरागता प्रकट होगी चारित्र तीनों वितरागी पर्याय है वो एक देश पर्याय आचार्य कहते हैं उसने सर्वदेश प्रसाद है तुरंत प्रसाद है और उपदेश भी हो देते हैं आप भी पूर्ण वितरागता को शुद्धता को चाहते हैं और शुद्धता प्रकट किया है और शुद्धता का उपदेश देते हैं ज्ञान कराया दीक्षा शिक्षा देखो दीक्षा पर शुद्ध भाव नहीं शिक्षा समझन पर शुद्ध भाव नहीं दीक्षा पंच महावर्तन क्रिया नहीं हम नहीं हम कहते हैं तो व्यवहार में सत्संग व्यवहार आ रहे हैं व्यवहार नियमित बता रहे थे कौन एक नियमित शुद्धता ने बता बाहर में हूँ बता रहे बाहर में नियमित वचन तो ये जा रहे हैं મંગળ માં દીક્ષા દેવાનો ભાવ જે છે એ વિતરાગ ભાવ છે વિતરાગ ભાવ ની દીક્ષા થી દીક્ષા છે એ હું આચાર ઉપાધ્યાય નીતનાર ને વિતરાગ ભાવ ની દીક્ષા નો પછી પંચમાવત આવે એ વિકલ્પ જે તો જાણવાનું દીક્ષા પણ એ દે જો શિખામણ એ દે
या विकरालता प्रकट करना है, विकरालता व्यक्त शक्ति में से व्यक्त करना है, वो मार्ग विकरालता है। बराबर है नया वो देखते में पंडित इतना समझता करते हैं आप ना पंडित जी के साथ ऐसा है जैसे में देखे कि बीमार के दूसरा होता है कोई बात नहीं, इसकी समझ में तो लेना पड़ेगा ना, समझ में भारत का है दूसरा कोई महाराज नहीं। महोरी साधु है थोड़ा बेन राखे और फिर समझे आगे समझे एक दिन कैसे शुद्ध भाव को आपका देखो साधु पर शुद्ध भाव ने साधे राज ने साधे थे साधु है नहीं ऐसा नहीं है भैया उसमें है शुद्ध भाव को साधे आया साधु इसको कहिए के भी कहते ही शुद्ध भाव को आप साधे जितना भी पर्याय प्रकट करके उसको साधना करे हाँ साधन देखो आया पूर्णानंद प्रभु सहजानंद मूर्ति आत्मा चिद घन वितरागी बिंब आत्मा उसमें से शुद्धता साधने का साधु को उपदेश है यानी साधु की शुद्धता कोई साधन जिसे संज्ञा आता है पर उसको साधते नहीं देखो यहाँ का व्यवहार नहीं का कथन में क्या है के पंचमाल पालते हैं फिर पालते हैं का इसको व्यवहार नहीं का कथन है कार्यू कहीं झूले नीति राग पड़े देखो तुम्हें छह मुर्गों को यही बताते हो तो खुन कुंडाचार्य को छह मुर्गों पाया आगे जिंदगी पाया राग को पालते हैं राग की रक्षा करते मुनि जी वो तो कहते हैं कि कुंकुमाचार्य भी पंचमहल पाया हमें समय कहते हो कि आश्रय है क्या पाया वो तो उसमें आया था उसको जाना एम बच्चा है पाया तो बाहर से थोड़ा जाए पाया ही नहीं है रात को पालते ही नहीं पानी पतन कहते हैं तो नाना ही नहीं कहते ये तो अपना शुद्ध भाव को पालन करते हैं चलो बहुत बात बात में से दुनिया ने विकराग मार्ग में जो ये कैसे ही साधु कैसे ही है जीवा आचार्य का देखा ऐसे ही शुद्ध भाव को आप साधे बहुरी शुद्ध भाव के माचन करी तीन लोग के प्राणी साधु है शुद्ध भाव का उपदेश नहीं दिए कल तो साधु अपना शुद्ध भाव को काटते हैं बस इतना जो आचार्य का नहीं चिंता के अधिकारी आता हम पर जाए मुख्य अधिकार मुख्य अधिकार दस्ती भी करते हैं मुख्य अधिकार उल्लेख तो करते हैं पर ये उसका मुख्य अधिकार नहीं करते आया ओ आचार्य पाजानी पड़ी तो शुद्ध विकराल विकार है अतेंद्रिय आनंद का अनुभव में मशगूल है ओ उपदेश बात
भाषा जैसे देखो शिक्षा शिक्षा दे वाणी से दे है आप भाषा समझ वाणी कैसे भाव माँ भितरा भाव का भाव प्रकृत मुख है उसका भाव है विकल्प कैसा है तो विकल्प विज्ञान है भाषा भाषा खत्म कैसे करना शुद्ध भाषा होंगे दे ये तो वाणी की क्रिया है आत्मा की क्रिया है क्या अरे सुधीरलाल जी भाई भाषा विकल्प द्रविचार है वाणी तो क्रिया है ही नहीं आता है उसको जानते हैं तो कहने आता है कैसा ऐसा प्रथम की पद्धति ऐसी है जड़ की भगवान तो खुद निकल वही पड़ा है उसमें क्या है इसको विकल्प भी नहीं भाव भाव का कुछ नहीं बदतरे में नहीं निकालने अपना करने का उपाय प्राप्त है ऐसे या तरह न करे उसके कारण है ऐसा करता भी करता करने का करता भी है करुणा आवे वो विकल्प है वो विराग है मगे मेल पकड़ा तो नहीं करे मेन हो बीजा ने तरे न तरे एनी साथ टेन्शन नहीं भाषा बदा भाषा रचनी देती होती है परम कारण कौन रचने को तार्थ है और उससे निकल गया मित्रा को निमित हुआ उपादान पर व्यक्ति लायक हो तो तार्थ है ऐसा से कथन कहने में इसको तारे बंधवाधिकार लिया है बंध अधिकार में बंध अधिकार में लिया है संसार दूसरा बंद में होता है मोक्ष में होता है तेरा विकल्प है कोई तेरा उसको बंद मोक्ष नहीं होता तुम विकल्प करके उसको बंद कराओ उसको मोक्ष कराऊ तो तेरा धक्का या ये नहीं बंद मोक्ष होता उसका राग के आश्रय से बंद करते हैं विकराग के आश्रय मोक्ष करते हैं तो उसका आश्रय से है बंद अधिकार में है समय का बंद बंद अजसान निमित जीवा भजंती कमना दधि नीतंती मुखमगे खिलाता किं करेसि सुमन उसका व्यवसाय के आश्रय ज्ञान के कारण बंद होता है तो तुम क्या करते हो उसको बंद में और उसका व्यवसाय ज्ञान शुद्ध भाव से मुक्ति होती है तो तुम क्या करते हो उसका मोक्ष दुख हो सकता है हिंदी अब मुक्त करूंगा नहीं लेना कौन सौ जीव दृशान कारण कर्म की बंधाए क्या मोक्ष मार्ग तुझी हो मुकाल करे भला तू क्या करते हैं दूसरा को दो सौ सत्तर गाता हूँ हिंदी में है हिंदी गाता हूँ दो करके हिंदी चलते हैं वो मुकाते हैं तो भी मित्रा एक बार से मुक्त है तो तेरा कल्पना से मुक्ति होती है उसको और बनते कल्याण भाव से वो बनते हैं तेरा कल्पना से उसको बन जाए तो बन जाते हैं ऐसा कभी है जी दो सौ सत्तर कौन बन मोक्ष बताते करम बारण शंकर ये कोई उतारते नहीं अपने आत्मा को उतारते बस बिल्कुल आत्मा को उतारते हैं कारण कह रहे नहीं
अतः उनका जब हुआ तो अपना शुद्ध भाव प्रकट किया, शुद्ध भाव से पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर बस वो करते हैं। फिर शंकर ने भी ऐसा कहा किया, शुद्ध भाव प्रकट किया अब एक देश और एक देश से शुद्ध पूर्ण शुद्ध को प्राप्त है वो करते हैं करते हैं विकल्प ने वाणी वाणी का वो आत्मकर्ता प्रता है। शुद्ध भाव ही के माध्यम करी जिन लोग के प्राणी नहीं करी कुदने योग्य हो, इस शुद्ध भाव ने लेने पांच परमेश्वर की वंदनी है। शुद्ध भाव से वंदनी के नग्न किया उससे वंदनी गए नहीं आया संत महाराज का विकल्प और नग्न दिशा वो वंदनी गए नग्न दिशा डर के विकल्प आश्र है वो वंदनी गए क्या बताओ क्या बताओ व्यवहार उसकी पाप होता है क्या बताओ जना रहे नंदनी को आ है वो तो अपने मुख पर मान लिया पंच परमेश्वर की आत्मा में वसते हैं क्यों पंच परमेश्वर की वितरा की दिशा है वो आत्मा में पंची पद पड़ा है अंदर में आत्मा ही अरिहंत है आत्मा ही स्थित है आचार्य का आत्मा है क्योंकि पांचवी पद वितराग दिशा है वितराग दिशा का स्वभाव तो अपना पड़ा जीव स्वरूप ही है आत्मा कि पांचवी पद की अनंती पर्याय का पिंड भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप में है पांचवी पद अपने दिल से कुछ दिन है आदमी जी करे व्यवहार प्रसन्न देता है समझाने में व्यवहार आ कर व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं नहीं जाना क्या समझो उनके बात यार समझो तुम्हें हमें तो हमारे काम से समझेगा तुम कैसे नहीं ऐसे कहते हो अरे तुम तो सही एक देख लाली है मंदिर में मुंबई देवलाली भक्ति करवा करेंगे भक्त है ना राज राजा है भक्ति करेंगे धर्म ढूंढना धर्म नहीं ढूंढे करता करता नहीं है आत्मा का न्याय भाव का आश्रय करने से ही पहली मुक्ति विद्या चलती है मुझे उससे क्या होता है समझ गया चलो भक्ति करो भक्ति करो उसकी भक्ति तो विकल्प है अगर आश्रय नहीं उठते हैं विकल्प उठते हैं मेरी विकल्प आती है पर क्या आश्रय से कहते हैं शुद्ध भाव प्राप्त किसी वंदने पूजने है साथे भाव प्रावृत्ति आदि विषय इन्हीं को नमस्कार युक्त है जिसने शुद्ध भाव पूर्ण प्राप्त किया अरियंतिक और आचार उपायदार शुद्ध भाव को प्रकट करके एक जिसको पूर्ण को साधते हैं और आचार उपायदार शुद्ध का उपदेश देते हैं साधु को अपना शुद्ध का साधन करते हैं वो कारण पंच परमेश्वर वंदन में नमस्कार योग है निरालंबी वस्तु गर्दन भिन्न वर्त के शरीर विकल्प है ये भिन्न विकल्प का भी स्पर्श नहीं से कर सकती है बराबर राष्ट्र आत्मा को कहता हमें एक तत्व का और दूसरा तत्व का स्पर्श के था वस्तु जैसी है भगवान आत्मा
कर्म ने शरीर का रतन पोगक तो कभी छूटे नहीं, पर विकल्प जो पंच महावत का विकल्प है उसको भी आत्मा तो कभी छूटे नहीं। तो तत्व भिन्न है, एक तत्व दूसरा तत्व है तो दो तत्व एक हो जाता है। क्यों हंसते हो सर? राव भाव लेखा मंगल करने की कोई बंधन में कुछ नहीं, योग क्यों कहते हैं? लेकिन वो खन करने की को इतने बंधन वाले कर्मचारी लोग कहते हैं तो अरियंत ने शिव को पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुआ है। भले अरियंत की शुद्धता को प्राप्त हुई, पूर्ण शुद्धता को आया, वो शुद्धता के कारण वंदन में नमस्कार योग है। आचार्य पाए जाए पर शुद्धता के कारण वंदन नमस्कार योग है। और साधु भी अपना शिव को इतना पाते हैं वो कहा वंदन नमस्कार योग महान मंदिर है। गांव प्राप्त की आदि से हिंदू नमस्कार युक्त है। बहुमोड़ी मस्तक करी नमस्कार करने में आया नहीं था क्या आया जैन नाम बंदी तीर्था तीर्था बोले ना चलो तीर्था वंदन करता हूँ करता हूँ संख्या जीना ही भाव आया है तो फिर नमन होता है तीर्था वंदन करता हूँ ऐसे कहने में देखो फिर नमा तो डर है घर तो आता है वही मस्तक के नमस्कार में सर्व अंग आई गई क्योंकि उच्च मांग है वो सारा शरीर में मस्तक उच्च मांग है। मस्तक मंजनी में उच्च में सर्व अंग आई गई एक तो एक बात मस्तक के नमस्कार करने में सर्व अंग आ गई और जाते मस्तक अंगनी में उच्चम है और ये आप नमस्कार किया तब अपना भाव पूर्वक भैया भाव आया नमस्कार करने में आया तब मन वचन का है तीनों आई गई लो नमस्कार किया तो मान भी आई चिन्ह गया भाव आ गया मन वचन है का चिन्ह आ गया आया अपना भाव पूर्व भया भाव बिना किसी बंधन कैसी क्रिया होती है कैसी बताना है या साथ में माने आती है शरीर मिलते हैं लेकिन भाव भी साथ में नहीं मिलते हैं भया सब मन वचन का है तीनों आई गई ऐसे ही जानना तीनों आ गया पहली बात आ गया भाव पाऊ एक सोने पैंसठ बात आ गई दस पाव मोटा मोटो आ पाओ अपने वो आगे कहें जो लिंग भेदभाव के दो ही प्रकार है तीन में भाव लिंग परमार्थ है। मुनि का मग्न प्राण अध्याय निर्गुण द्रव लिंग होता है पर उसमें संगत दर्शन चारित्र भाव लिंग की मुख्यता है। वो जो न हो तो द्रवी की कोई कीमत है द्रविंग में नीच के नहीं ऐसा ही द्रविंग होता है। भाव प्रगत हुआ विपराजी तो उसका नग्नपणा ही हो जाता है इतनी इतनी वीरता है नग्नपणा हो जाता है रत्न पात्र रख दे और मुनिपणा भाव लिंग हो ऐसा होता नहीं आया। भाव की बात करते हैं तो संगत दर्शन कई की बात करते हैं भाव संगत दर्शन करना होना चाहिए पीछे द्रवी संत महावत्ता का विकल्प पीछे ध्यान करते भाव लिंग का विकल्प सीधे प्रकट होता है।
समझ में आया कि भावनी पहला प्रगट हो गया किसी दरमी विकल्प डर से ऐसा है पर भावनी ने कभी संगत दर्शन देना है कन्या के दर्शन ज्ञान का पहले प्रकट कर पृथ्वी दृढ़ नहीं होता है सारी प्रतिभावे पहले मग्न पुनः हो जाता है इच्छा ही मूर्धन का विकल्प की प्रतिज्ञा भी होती है और पीछे ज्ञान में आते हैं तो सप्तम गुणसन आया ऐसा भजनपना और इच्छा मूल ऐसी दशा न हो और अंतर में सप्तम ज्ञान की सप्तम दशा हो ऐसे नहीं होती होता है तो उससे भी होती नहीं है वो न हो न हो जाए ऐसा भी नहीं क्या किया है हाँ वो कहते हैं कि अपना संगत दर्शन सही पहले भावलिंग चारित्र नहीं प्रज्ञा है तुम दृढ़लिंग ले लिया अच्छा मोगी की प्रतिज्ञा पहले देता है ना संत भाव की प्रतिज्ञा देता है ना जिसे ध्यान करते हैं तो भावलिंग चारित्र का प्रकट होता है उतर जाते सब पहले निकल जाते इसके बाद जिसे ध्यान करते सत्यम आता है कपड़ा आता है तब वो ब्रह्म को निमित करने आता है पहले कपड़ा उतर जाए मग्न हो जाए पंच मार्ग का विकल्प ले पीछे ध्यान में आ जाए सब सत्म होता है पीछे वस्त्र पात्र उतारते हैं ऐसा नहीं है धर्म का नहीं कहा है तो चला बाहर क्रिया में संतमा होता है तो ध्यान करे सुखमा दाया भावनी पडमंग अर्थ संन्यास दर्शन का जोर देना है संन्यास दर्शन देना कुछ होता है पति भी भावनी हो चारित्र तो भाई का मग्न लिंग हो पर निकला नग्न पड़ाने छह मुग्न निकला हो संन्यास दर्शन ज्ञान चारित्र न हो तो उसकी कोई कीमत है वो बात कहते हैं भाव वही पद्मम लिंगम न दिवलिंगम जान परमथम दृढ़ परमात्मा का होता है क्या ऐसा कोई कहे कि चारित्र हमको हो गया तो हमारा दस्ता भी सूचा नहीं कैसे नहीं ऐसा होता नहीं कहते नहीं कितना को संबंध में कहते हैं ये स्त्री का हो मुनपना हो जाता हो कपड़ा हो केवल ज्ञान हो जाता हो ऐसा होता ही नहीं नाना प्रकार की होता है नाच कहे कुमार दूर रहो पर नाचते नाचते क्यों ज्ञान हो गया हार लेते लेते खाते खाते हो गया ऐसा होता है यहाँ तो प्रथम भाव लिंग की महत्ता कहीं है